आज सुबह कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसको हमारे नेता कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने संबोधित किया। उन्होंने जो आज मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उससे संबंधित सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला, विशेषकर उड़ीसा में जो तूफान से और चक्रवात से भारी क्षति हुई है उसके बारे में विशेष रूप से उन्होंने विस्तार से बातें की और ये कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की सरकार जो कुछ उड़ीसा में घटित हुआ है उसको नेशनल कैलामिटी, राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है। ऐसा करना बहुत आवश्यक है क्योंकि जो कुछ वहाँ घटित हुआ है उसका आकार और आयाम इतना बड़ा है कि उसे राष्ट्रीय पैमाने पर जब तक हम राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करते हैं और पूरा राष्ट्र उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं होता है तब तक ऐसी आपदा में लोगों को पर्याप्त राहत नहीं दिलाई जा सकती है। उन्होंने कल की राजीव गांधी जी का नाम जो बोफर्स मुकदमे में अवैधानिक और अनियमित रूप से शामिल किया गया है उसके संबंध में जो कल रैली हुई थी उसका भी उल्लेख किया और ये कहा कि जो कुछ किया गया है वो राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक बदले की कार्यवाही है, अवैधानिक है, अनियमित है और गलत है और उसको केंद्र सरकार को ठीक करना चाहिए। और माननीय राजीव जी का जो नाम अनियमित रूप से, अवैधानिक रूप से सम्मिलित किया गया है उसे निकाल दिया जाना चाहिए। जैसा हम कल बता चुके थे ये अधिनियम अभी प्रस्तुत हुआ है, इस पर पार्टी विचार कर रही है। विशेषकर हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी के जो सांसद दोनों सदनों में हैं उनके विचारों को सुन लिया जाए, उसके बाद पार्टी इस पर क्या रुख अख्तियार करती है वो आपको बताया जाए। आज उड़ीसा श्री माधवराव सिंधिया और श्री वैलाल रवि जो हमारे वरिष्ठ सांसद हैं वो गए हुए हैं, वो वहाँ की राजनीतिक स्थिति का आकलन करेंगे और तभी हम कुछ बता पाएंगे।